दोस्तों, राम मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर राम मंदिर के निर्माण में किस सेलिब्रिटी ने सबसे ज्यादा दान दिया है। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो हमारे आज के वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बताएं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है और यह लंबे समय के बाद ऐसा सुनहरा मौका पूरे देशवासियों को देखने और सुनने को मिल रहा है। इसी बीच में आपको यह भी बताएं कि मंदिर में अभी तक कितने लोगों ने क्या क्या दान किया है, आज आपको बताने वाले हैं। ऐसे 8 आदमी का आज हम नाम बताएंगे जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा संख्या में दान किया है और क्या कुछ उनका योगदान है, चलिए हम आपको बताते एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी प्रभु राम के मंदिर बनने से जरा से खुश है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 8वें नंबर पर आते हैं अरुण गोविल जी, जिनको आज बहुत से लोग भगवान राम समझते हैं। जब भी ये कहीं जाते हैं तो लोग इनके चरणों में झुक जाते हैं। तभी तो इनका स्वागत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धूमधाम से किया गया। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अरुण गोविल जी के रामायण में राम जी के किरदार में हम सभी ने देखा है, उन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया है। हालांकि यह दान स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्होंने दान कितना दिया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रहा है कि अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम जी का किरदार किया था, उन्होंने लगभग 25 लाख रुपए का दान किया है। राम मंदिर निर्माण में यह जानकर आपको और भी गर्व होगा कि 7वें नंबर पर कौन है, तो यह भी आपको बताएंगे। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने राम मंदिर में सबसे ज्यादा दान किया है। 7वें नंबर पर जिस आदमी का नाम आता है वह हमारे हैं लिए सबसे प्रिय है, वो और कोई नहीं बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम है, जो सभी के दिलों में राज करते हैं। और इन्होंने राम मंदिर के लिए 50 लाख का दान दिया है और कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें कुछ राम मंदिर के लिए करने का मौका मिला, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस पल का लंबे समय से सभी ने इंतजार किया है और सबने प्रतिष्ठा भी की है जो कि साकार हो गया है। आपको बताएं कि सोनू निगम बॉलीवुड के जो सिंगर हैं, उन्होंने 50 लाख दान दिए हैं, इसीलिए वह 7वें नंबर पर हैं। चलिए आपको अब बताता हूँ कि 6ठे नंबर पर कौन है जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया है। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर हैं 6ठे नंबर पर और उन्होंने 1 करोड़ की राशि दान की है और सब परिवार सहित उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में आशीर्वाद मांगा है। और उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से हमें भी प्रतीक्षा थी कि राम मंदिर को लेकर कोई ऐतिहासिक फैसला आए और वह घड़ी आ गई और उसमें हम सभी पुण्य के भागी बन रहे हैं। गौतम गंभीर ने 1 करोड़ की राशि देते हुए भगवान श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। और 5वें नंबर पर जो व्यक्ति हैं, हम उनको भी बताने वाले हैं। 5वें नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के सबसे चमकते हुए सितारे अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने 5 करोड़ की राशि राम मंदिर को दान में दी है। बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन यह भी कहते हैं कि हमें काफी खुशी होती है और बहुत गर्व भी होता है, ये ऐसे क्षण हमें मिले जहां हम पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। 4थे नंबर पर कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए दान किया है, तो वह भी आपको बता देता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, जिन्होंने 2 करोड़ की राशि श्री राम जी के चरणों में भेंट की है और ईश्वर से सुखद समृद्धि की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें भी गर्व महसूस हो रहा है कि हम इस राम मंदिर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आगे कंगना बोलती है, हमें लंबे समय से इस पल का इंतजार था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कब है और उसका सुनहरा मौका आया, तब जाके हमारे राम आए। 3रे नंबर पर आते हैं टीवी सीरियल के गुरमीत चौधरी, जो कि उन्होंने पहला सीरियल रामायण किया था और उसमें राम जी का मुख्य किरदार उन्हें करने को मिला था, उन्होंने भी सहयोग राशि भगवान श्री राम के कृष्ण चरणों में अर्पित की है। गुरमीत चौधरी 3 करोड़ की राशि राम जी के चरणों में देते हैं। 2रे नंबर पर कौन से व्यक्ति हैं, यह भी आपको बता देते हैं। 2रे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, इन्होंने 5 करोड़ की सहयोग राशि राम मंदिर को दी है। बात आती है कि आखिर पहले स्थान पर ऐसे कौन से कलाकार हैं जो पहले नंबर पर हैं और कितना दान किए हैं। आपको बता दें कि यह भी बॉलीवुड फिल्म के सबसे चर्चित एक्टर हमारे अक्षय कुमार हैं, जिन्होंने 10 करोड़ की राशि श्री राम जी के चरणों में अर्पित किए हैं। अक्षय कुमार राम मंदिर निर्माण से काफी खुश हैं, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है, लगातार वो सुपरहिट रहीं। उन्होंने यह कहा कि यह लोगों के लिए गर्व का क्षण है कि आज हमें भगवान जी के चरणों में कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े
सौभाग्य की बात है और हम आज शुरुआत करते हैं। कहीं न कहीं आप लोग भी शुरुआत कीजिए। पहले नंबर पर अक्षय कुमार आते हैं जो कि 10 करोड़ की राशि जमा करते हैं श्री राम जी के चरणों में। और ये तमाम जो कलाकार हैं, ये लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे श्री राम जी के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। वैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में और भी कलाकारों को बुलाया गया था जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। बॉलीवुड से इन स्टार्स को मिला निमंत्रण दूरदर्शन के प्रसिद्ध रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता बनने वाली दीपिका चिखलिया को निमंत्रण भेजा गया। अन्य बॉलीवुड चेहरों की बात करें तो सूची में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, आशा भोसले, अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया, नीतीश भारद्वाज, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, कंगना रनौत, मधुर भंडारकर और प्रसून जोशी भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए बॉलीवुड से आमंत्रित लोगों की सूची में है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि देश के तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरह की सामग्री वस्तुएं श्री राम जी के चरणों में भेंट की है। कोई अगर बत्ती दान में दिया है तो कोई लड्डू दिया है, कोई तीर धनुष दिया है तो कोई 2100 किलो का घंटा दिया है जिसकी जितनी आवश्यकता थी, जितनी क्षमता थी उसके हिसाब से सभी लोगों ने राम जी के चरणों में हाजिरी लगाने का काम किया। आप क्या सोचते हैं? और अगर आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री राम।